वालेकुम, कैसे हैं सब व्यूवर्स? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेबो की रोशनी। कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, फेस मेरा जो है ना कुछ बेहतर हो गया। अभी तो खैर मैंने ये लाइट सा ब्लेशन लगाया है, मैंने कहा एलर्जी इसमें छुप जाए ज़रा, है तो इधर लाओ। अच्छा, ये एक ड्रेस भी मेरा, मैंने ये भी टेलर को देना है, इसको मैं रखती हूँ यहाँ पर। तो इसको भी गाड़ी इस ऊपर उठाओ, वो नीचे गिर गया, इसको भी गाड़ी में रखते हैं। तो आज जनाब, आज मौसम सुहाना है, पता नहीं कैसे आगे मैं भूल गई नहीं, आज मौसम बड़ा बेईमान है। ठीक है, तो आज के मौसम में मैं तो रही थी सो, हस्बैंड ने मुझे दिया उठा, वो भी कॉल करके, कहता उठो बेगम। मैंने कहा वजह, सोए हुए क्यों जगा रहे हो मुझे? उसने कहा माजरत के साथ आपको सोए हुए जगा रहा हूँ, बाहर मौसम बहुत प्यारा है, उनका फेवरेट मौसम है ये। तो उसने कहा कि इस मौसम में अगर कोई मुझे बाहर ले जाए, तो मैंने कहा कोई क्यों, असी मर गईयां ताड़ियां दो दो बेगमां, असी तुहानू बाहर लेके जावांगे, कोई मतलब की? तो मजाक कर रहा, उसने कहा कोई मतलब, आप दोनों में से कोई एक मुझे ले जाए। तो मैंने तो कहा, मैंने कहा उसके साथ चले जाओ, तो उसको गाड़ी नहीं चलानी आती, ये भी रोला है। तो कहने लगा कि चलो मैं उसको ले जाता हूँ, तो ड्राइवर तो फिर भी चाहिए होगा, क्योंकि चौधरी साहब खुद भी गाड़ी चलाना नहीं सीखते, वो ये टेंशन नहीं पालते कि गाड़ी चलाना सीखूंगा, टेंशन होगी, और हम सिखाते अपनी गाड़ी लेके किधर वारा हो जाएगा, क्या पता चलेगा, फिर हम इसको ढूंढते रहेंगे, हैं तो बेहतर है कि हम इसको साथ लेके जाएं जहाँ भी जाएं। तो फिर उसने कहा कि ड्राइवर जी रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूँ, और मुझे जो ना लेके जाओ, ज़रा बाय रोमांटिक सा मौसम बना हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ कि अपनी प्यारी और लाडली बेगम। मैंने कहा बल्ले, मैंने कहा मक्खन लगा रहे हो मुझे? तो कहने लगा नहीं मक्खन नहीं लगा रहा, वाकया में आप प्यारी और लाडली। मैंने कहा प्यारी तो नहीं, चलो लाडली लाडली वाली मान लेती हूँ। तो कहने लगे नहीं, दोनों ही माशाल्लाह लाडली हैं, वो भी मैं भी, वो भी प्यारी मैं भी प्यारी, मैं इतनी प्यारी नहीं हूँ खैर, ठीक है, ऐवें अपने मुँह से मियाँ मिठू क्यों बनूँ? अभी भी खारिश पता नहीं कहाँ कहाँ हो रही है, हल्की हल्की ना ऐसे फेस के ऊपर ना खारिश सी हो रही है, तो मतलब ये फिर एलर्जी है। ओए मुझे पानी तो दे दो कोई जनाब, मैंने पानी पीना है। तो अभी जनाब चौधरी साहब आ रहे हैं, और मैं उनको लेके जा रही हूँ, और मैं उनको या फिर वो मुझे कहाँ लेके जाते हैं, आप सबको बताएं और दिखाएंगे, और कहाँ हम आज घूमते हैं, और मौसम भी आपको दिखाते हैं कि बाहर कैसा मौसम है। ठीक है, तो आ जाओ फिर जनाब, पानी ले आई, पानी में पी लूँ आप। जाते जाते रास्ते में अली भाई मिल गए। किधर हो अली भाई? मैं जा रही हूँ भाई, मेरे पास टाइम नहीं है इतना ज्यादा। अली भाई जी, भाई मैं जा रही हूँ भाई, मुंह हाना तो बहाओ। अली भाई छिक्का ला रहे ने, जड़ा चढ़ाते ने घोड़ियां दे मुंह ते। अस्सलाम वालेकुम। और अली भाई ठीक है? सब लोग ठीक है, उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। हाँ जी बिल्कुल ठीक ही होंगे, और सारे जा रही हैं कश्मीर। अब रास्ते में ही मुलाकातें होती हैं। हाँ जी, अब टाइम ही नहीं है, बस क्या करूँ। चौधरी साहब किधर चलेंगे? चौधरी साहब भी नीचे उतर के खड़े हुए थे, हमने कहा जिसमें कैमरे में जिसने आना है वो इतने लग जावे, अली भाई दिनाल जी ने नहीं आना परे हो जावे, चौधरी साहब दौड़ लगा गए। ठीक है अली भाई, फिर हम जा रहे हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बाद में, ठीक है, क्योंकि हमारे प्लान का आपको पता पता नहीं होता हम किधर से किधर जाते हैं। ठीक है, बस एवं लंबे प्लान पे। चलो ठीक है, फिर लंबे प्लान पे आप जाए तो फिर फोन पे बात कर लेंगे। वो आईडी कार्ड नंबर है उसमें? हाँ वो नंबर है। चलो जाओ, ठीक है, ओके बाय। चलो जली भाई गए, चौधरी साहब को बैठाती हूँ, निकलती हूँ आगे, और देखते हैं कि चौधरी साहब का क्या मिशन है, चौधरी साहब मुझे कहाँ लेके जाते हैं। ये मुझे बैठो बैठो बैठो, ये नहीं मुझे पता, क्योंकि मैं तो कभी भी कोई प्लान करके काम करती नहीं हूँ। चौधरी साहब ने क्या पता दिल ही दिल में कोई प्लान किया हो, तो मैंने तो फिलहाल कोई प्लान नहीं किया। मैं प्लान करूँगी भी नहीं, आज तो आपकी शेव होने वाली है, यहाँ आना है, शेव पहले कराओ, बाद में कहीं जाऊँगी दूर में आपके साथ। तो व्यूवर्स ये देखें, ये मौसम कुछ ऐसा है, लेकिन जब चौधरी साहब ने मुझे कॉल की थी ना कि मुझे बाहर लेके चलो, उस टाइम क्या बारिश थी, बोलो मुंह से थी या नहीं बताओ ना, नहीं तो मैं थी गड्डी डक दिन में लेके नहीं जाना कश्मीर भी ले जाऊंगी, टेंशन ना लो, आपके मुकद्दर बहुत अच्छे हैं चौधरी साहब, बहुत किस्मत वाले हो आप, जो आपको मैं मिली, ठीक है, ऐसी बीवी जो ड्राइवर भी हो है, लोका वास्ते नहीं तुहानू लेके जावांगी, लोका किधर में लेके जानी है। चौधरी साहब ना सड़े थके बोलते जो हम कश्मीर गए थे, वो वाली बात ये भूल नहीं रहे, तो जब मैं लेके जाऊंगी फिर ये भूल जाएंगे, तो इंशाल्लाह एक दो दिन में मैं इनको ना कश्मीर, अब क्योंकि मैं ये ताना नहीं बार बार सुन सकती,
मुझे कुत्ता ना मारे, मैं उसको आगे से उठा के बट्टा मारती हूँ सर में। हकीकत है ये। हाँ तो गे है ना, तो आपको भी ले जाएंगे। ये ताने मुझे रोज रोज मारता है, इसको अब लगता है कश्मीर दिखाना ही पड़ेगा। देखा तो इसने पहले भी, इसने पता नहीं क्या कुछ देखा हुआ है मुझे। आज, आज किधर शाम हुई है, कोई कपड़े नहीं हम लेके आए। ओ जानी उस टाइम नहीं, वो मसला नहीं, रात को ले जाऊंगी कपड़े शपड़े तो हम लेके नहीं आए। अब अगर अभी यहाँ से वापस जाते हैं 12 घंटा जाने वाला, ऐसे नहीं जाती, कपड़े तो साथ होने चाहिए ना। क्या उधर जाके पहनना करना क्या है, ऐसे कैसे, ना आपके पास है ना मेरे पास, कल या परसों चले जाते हैं। ठीक है, आज कहीं और आप मुझे ले जाओ। अल्लाह ना करे कैसी बातें मुंह से निकालते हो, अच्छी मुंह से बात निकाला करो। ठीक है, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, अल्लाह आपको दोनों बीवियों की उम्र थानू लग जाए। चलो जाओ जियो हजारों साल। कहना बड़िया सियाणी थोड़ी 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 है, मेरी ज्यादा है, इन्नी भी नहीं ज्यादा, थोड़ी साढ़े जिनी होनी चाहिए, साढ़े तो बाद नहीं जीना अच्छा। हाँ अगर हम दोनों में से कोई एक भी अल्लाह के पास गई ना, दोबारा गलती ना करना दूसरी शादी वाली, कश्मीर ना जावा दोए जाओ तो मैं तीसरी करा। ऐ सुन रही है नी, की कह रही, वे कहते दोवे जनिया मरो तो मैं एक और करा। उन्हें कर ले, असी कड़ा तेनू मना किता है, पहलियां तो पहले टाइम पूरा करना। आज चौधरी साहब का दिन था मेरे साथ, वैसे अभी फिक्स नहीं हुआ कि इनको इनको बांधना है कि नहीं बांधना है, एक दिन उधर तो एक दिन इधर। रोज मेरे साथ किधर होते, जब लड़े हुए तो 2 हफ्ते उधर नहीं रहे आप हैं, वो वाले 2 हफ्ते कब बराबर होंगे। तो आप तो साथ नहीं थे ना मेरे, कश्मीर हम रहे हैं तो आप तो साथ नहीं थे ना। अब 2 हफ्ते मेरे साथ रहो तो उसके बाद फिर एक दिन इधर तो एक दिन इधर, ऐसे कर लो। ठीक है, चलो कश्मीर जाके पक्के करेंगे। कहते पहले कश्मीर लेके जाओ फिर पक्का करूंगा मैं कि मैंने कैसे रहना है। ऐडा सौखा नहीं, मनन वाला असी दोवे इन्हू नहीं फसा सकदियां, बड़ा तेज बहुत चलाक बहुत शातर आदमी है। ठीक है, सेम टू यू ना कहा करो आप मुझसे ज्यादा चलाक हो, मैं सादी सीधी जगह। कश्मीर पहुंच गई, अब आपको लेके जाऊंगी। ठीक है, चलें जी फिर चलते हैं आगे। व्यूअर्स, चौधरी साहब फिलहाल तो मुझे ले आए एक बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट में डिनर पे। इनके पास डिनर के अलावा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये खुद भी खाते हैं और मुझे भी खिलाते हैं, इसलिए तो मैं मोटी हो गई। आप कहते हैं स्मार्ट हो जाओ, वो जिसने स्मार्ट का लफ्ज़ है ना वो इनको बोले, मुझे नहीं। ओके, तो खाने में क्या लिया वो भी बताती हैं, और लेके कहाँ पे आए हैं वो मैं बाद में बताऊँगी। थोड़ा सा सस्पेंस तो होना चाहिए ना मेरे व्यूअर्स को, थोड़ा सा इंतज़ार मैं करूँगी। ठीक है चोई साहब, आज खुश हैं चोई साहब? ये स्पीड चेक करें जरा इनकी, खुद इनकी स्पीड कितनी तेज, टकाटक बड़ी स्पीड में, पता नहीं किधर लगे मैं दोस्तों के साथ, मैसेज 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 मैसेज। ये देखिए वाओ, ब्लैक कलर पे स्टड कितने खूबसूरत लग रहे हैं, इधर दिखाना ज़रा करीब करके। वाह चोई साहब, यहाँ पे हम इस रेस्टोरेंट में कुछ ऐसी लुक है इसकी। ठीक है, ये देखिए, है कोई नहीं, अभी इधर रश नहीं है। जगह कौन सी मैं बताती हूँ, सब्र करो ज़रा। हाँ जी, तो व्यूअर्स ये रहा आज का डिनर, इसमें क्या है चौधरी साहब ने क्या ऑर्डर कर दिया मेरे, ये देखिए कितना खूबसूरत है। वाह, इसमें है राइस, वो भी मेरे फेवरेट। ठीक है, ये है जी चाइनीज मसाला, चिकन मसाला राइस। ठीक है, और वो भी मैं बताती हूँ कि वो क्या है, ये तो हमसे बहुत ज़्यादा है ना। ये है चिकन हरी मिर्च, लें चोई साहब टेस्ट करने लगी हूँ यहाँ के राइस से, ये कैसे हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाह, ये तो बहुत मज़े के, वाकई ही मज़े के। रायता डाल लो। अच्छा जी, खाना तो राइस तो बहुत मज़े के हैं, अब मैं वो टेस्ट करूँगी फिर वो बताऊँगी।
तो फिर बताते हैं ये कौन सी जगह है। ये है चिकन हरी मिर्च, ये जो चीज़ सब खा रहे, कैसा है? मैं कहता हूँ मैं बोल बताओ कैसा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मज़े का? मैं तो राइस खा रही हूँ फिलहाल। चलो बनाओ। मेरे में शुगर डाल दिए? एक दो डालो, दो एक हो डालो। उसके बाद ग्रीन टी। चौधरी साहब बना रहे हैं, ये कहते हैं आपको नहीं तरीका आता, आपने कभी को काम नहीं किया, आप शुगर ज़्यादा डाल देती हो, मैं खुद ही डाल लेता हूँ। ये है मेरी और वो है उनकी, मैं तो अपनी फटाफट पीती हूँ। अच्छा जी, खाना बहुत मज़े का था और ये रेस्टोरेंट है मरी में। ये है कश्मीर, ये कौन सा कश्मीर पॉइंट है? ये कश्मीर पॉइंट के पास है। इसका नाम क्या है? टेरेस ग्रिल। टेरेस ग्रिल इसका नाम है। बहुत खूबसूरत और खाना बहुत टेस्टी। जो लोग अच्छा खाना खाना चाहते हैं वो यहाँ पे आए। ये कोई प्रमोशन नहीं है, हमने तो यहाँ से खाया और हमें पसंद आया तो मैंने सोचा ज़्यादा अच्छा खाना है तो कश्मीर चले जाओ। अच्छा, ये चौधरी साहब ने टोक मारी है, तो इनका जो है ना सारा अमला भी बहुत अच्छा था, खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। अगर मरी में आए तो यहाँ खाना खाएं, टेरेस ग्रिल पे, बहुत टेस्टी था। ग्रीन टी तो फिर जैसी होती है आप सबको पता ही होगा, मीठा काम है, मैं और डलवाऊँगी। और खाने का टेस्ट हम जैसा पसंद करते हैं, लाहौरी टेस्ट और जैसे कराची वाले खाते हैं, थोड़ा सा टेस्टी ठीक है वैसा ही था। तो मरी में ये ठीक है। और इसके बाद बताती हूँ कि हम मरी में क्या कर रहे हैं। इसका बिल कितना है, कहाँ पे लिखे हैं? नज़र नहीं आ रहा, नहीं आया, अभी नज़र आ रहा है। 250 ठीक है, इतने से खाने का और मरी में आके 250, ज़बरदस्त। अल्लाह जी मरी, मैं तो मरी की साह चढ़ गया, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मुश्किल से मैंने थोड़ी सी सांस ली है। ये रहा रूम, ये डबल बेड चौधरी साहब का है। टीवी क्यों चला दिया बीच में? तो पहुंच गए हम जनाब मरी, घूमते घुमाते फिरते फिराते, क्योंकि ये आज था मेरा दिन। वैसे अभी तक चौधरी साहब ने डिसाइड नहीं किया कि चौधरी साहब बंद के और बांट के रहेंगे क्योंकि चौधरी साहब कहते हैं कि ऐसे नहीं हो सकता, एक दिन उधर तो एक दिन उधर, तो मेरे दिन किधर गए? मैं जो मेरी मर्जी होगी कितने जान दी, वो मैं किमें करांगा फिर कश्मीर। तो मैंने कहा ठीक है, आप दो दो दिन दोनों बीवियों को दे दो, तो 3 दिन खुद ले लो वीक के, 3 दिन कश्मीर रह के वापस आ जाना करना तो कहते हैं जी नहीं, अभी इन्होंने ये डिसाइड नहीं किया कि ये ऐसे करेंगे कि नहीं, क्योंकि इनको ओपन ही टाइम पसंद है और मुझे भी ओपन ही, कि मुझे ज़रूरत हो मेरी तरफ आ जाएं, उनको ज़रूरत हो उधर चले जाएं, इनको ज़रूरत हो जिधर मर्जी चले जाएं ठीक है ना, उस तरह। तो फिर खैर मैं तो थोड़ी बहुत ही लचक दे दूंगी कि इनको कहाँ जाना है, जाओ चले जाओ, तो उधरों नहीं मिलनी। कोई बिच फैमिली स्ट्रिक भी होंगी जिवें चौधरी साहब स्ट्रिक ने, मैं तो नरम मिजाज मैं नरम मिजाज हूँ ठीक है, इतनी वो मैं नहीं हूँ, मतलब सख्त दिल नहीं हूँ मैं, नरम दिल है मेरा, मिजाज भी नरम है, ये चौधरी साहब को पता है ठीक है तो हम गए थे कश्मीर घूमने, चौधरी साहब गए नहीं थे। अब चौधरी साहब रोज़ रोज़ साड़ फूकते हैं, कश्मीर कश्मीर कर रहे हैं, मैंने कहा आप मरी को कश्मीर ही समझो कहते हैं नहीं, वो तो कश्मीर पहुंचूंगा तो कश्मीर को कश्मीर बोलूंगा, मरी को मैं कश्मीर कभी भी नहीं कहूंगा। मैंने कहा अच्छा जी, मैंने कहा चलो थोड़ा सा तुम खुश हो जाओ मरी जाके, तो चलो हो जाओ फिर। बल मुझे नहीं पता था कि यहाँ हम रुकेंगे, निकले तो थे बाहर, बारिश हो रही थी, लेकिन जब तक हम निकले बारिश भी रुक गई। फिर डिनर, मैंने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ था, तो इन्होंने कहा ब्रेकफास्ट, मैंने कहा चलो वो हमने सोचा TDCP जाते हैं, जहाँ एनिवर्सरी की थी वहाँ पे डिनर करेंगे, तो कहने लगे नहीं चलो मरी चल के डिनर करेंगे। मैंने कहा चलो, मैं तो ड्राइवर हूँ, मेरा क्या है, ड्राइवर को मालिक ऑर्डर करें किधर जाना है मैं ले जाऊँगी लेडीज ड्राइवर ठीक है। तो यहाँ आए, यहाँ जनाब ने डिनर किया, फिर इनको ना मेरा एहसास हो गया कि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो ड्राइवर गया है थक, तो ड्राइवर को थोड़ी सी रेस्ट करवाता हूँ इधर ठीक है। उसके बाद जो ना एक दो दिन ड्राइवर को कहता हूँ कि चल तू सो जा इधर मरी में क्योंकि
क्योंकि इनका कहना है कि मैं ज़्यादा टाइम सोई रहती हूँ, हालांकि ऐसी बात नहीं है। अगर मैं रात जागती हूँ तो दिन सोती हूँ, दिन जागती हूँ तो रात सोती हूँ, तो रात में जागती रही तो दिन फिर सोती रही, इसलिए ये कहते हैं कि तुम सोती ही रहती हो, सोती रहती हो। ठीक है, तो अब जी पता नहीं ये मुझे खुश कर रहे हैं या खुद खुश हो रहे हैं, ये मुझे नहीं पता, बहरहाल मैं खुश हूँ। ये अभी तक भी थोड़े वट्टे वट्टे नाराज़ नाराज़ हैं, कश्मीर वाली बात ये भूल नहीं रहे। नेक्स्ट इनको मैं कश्मीर भी लेके जाऊंगी इंशाल्लाह, आप लोगों को मैं बताऊंगी कि बेबो किसको कहते हैं। ठीक है, यानी बेबो मुझे कहते हैं कि जो कभी भी किधर भी जा सकती है और बगैर प्लान किए, और जो कि जो चीज़ मेरे हस्बैंड को याद आ रही हो बार बार, तो वो फिर मैं इसको ले जा के दिखा ही दूँगी कि ये लो कश्मीर देख लो और ताने मारने छोड़ दो और अच्छी तरह से मान जाओ, रूठे ही ना रहना है। क्या हुआ, मैं समझी कुछ हुआ है क्या। हाँ, कुछ चाहिए आपको, चलो फिर आ जाओ इधर। चलें ठीक है जी, अभी ज़रा मैं थोड़ा सा ये तारू टोपियाँ शोपियाँ, अंदर तो खैर ये हीटर लगा हुआ है रूम में, रूम में ने आपको दिखाया, ये वो सिंगल बेड है, वो इस रूम में पहले ही था, ये डबल बेड है इधर, सिंगल इनका है डबल मेरा है, वो भी सोफा लगा हुआ है, टेबल शेबल ये वो, ये पीछे इधर कबर्ड भी है, उधर वाशरूम भी है, उधर चौधरी साहब सैर कर रहे हैं ज़रा, इसलिए मैंने उधर कैमरा नहीं मारना, कश्मीर ढूंढ रहे उधर जाके। अच्छा जी, तो मैं तो आते ही इस चेयर पे गिर गई, फटाफट ऐसे बैठ गई थी, तो चलो दुआ करें कि क्यों लाइट ऑफ कर दिए, कि चौधरी साहब के साथ जुल्म और ज्यादती ना हो, जो कि इसकी बेगमात बेगम करना चाह रही है, मैं नहीं। अच्छा हाँ, समझ गए ना, मैं ज़्यादा किसी को चढ़ाना भी नहीं चाहती यहाँ पे। तो चलो फिर अभी ज़रा उन्होंने टीवी देखना है जी। तो व्यूवर्स, अभी रात काफ़ी हो गई है, अभी मैं करूँगी रेस्ट, मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है, बेड मेरा वेट कर रहा है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में खुशी खुशी, कहीं लड़ना पड़े मर आए हुए या वापसी पे। ठीक है, दुआ करिएगा जैसे हंसते आए ऐसे हंसते वापस जाएँ, खुश रहो आबाद रहो, और मुझे दो इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।